किशोर जगत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला किशोर जगत। किशोर जगत में आज का विषय है भूगोल। क्या है हमारे चारों ओर क्या है हमारे चारों ओर। इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं एक वार्ता। शीर्षक है क्षेत्रीय भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल के विपरीत क्षेत्रीय भूगोल का प्रारंभ एक या सभी क्रमबद्ध भौगोलिक प्रक्रियाओं द्वारा भूपृष्ठ पर छोड़े गए स्थानिक चिन्हों से निर्मित विभिन्न आकार वाले प्रदेशों के अध्ययन से होता है। प्रदेशों का आधार केवल एक अकेला कारक जैसे उच्चावच, वर्षा, वनस्पति, प्रति व्यक्ति आय तथा साक्षरता आदि हो सकता है। इसी प्रकार बहुकारक प्रदेश भी हो सकते हैं जिनकी रचना दो या दो से अधिक कारकों द्वारा हो सकती है। प्रशासनिक क्षेत्र जैसे राज्य, जिला, तहसील या तालुक और गांव आदि को भी एक प्रदेश के रूप में लिया जा सकता है, जबकि सुविधा के अतिरिक्त इनका कोई अन्य औचित्य नहीं है। योजनाओं तथा विकास के उद्देश्य से विशिष्ट प्रदेशों का भी निर्माण किया जा सकता है। क्षेत्रीय भूगोल के कुछ मुख्य विषय हैं किसी प्रदेश के प्रासंगिक भौगोलिक विशिष्टताओं की पहचान, प्रकृति और मानव के बीच आपसी संबंधों तथा इसके प्रादेशिक प्रभावों का अध्ययन, दिए गए मानदंडों के आधार पर प्रदेशों की सीमाओं का निर्धारण, प्रदेशों के परस्पर संबंधों, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज का पता लगाना, अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति की क्षेत्रीय संरचना का ज्ञान प्राप्त करना एवं समस्याग्रस्त क्षेत्रों तथा प्रदेशों के लिए क्षेत्रीय योजना बनाना। क्षेत्रीय भूगोल की प्रमुख उपशाखाएं हैं प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक विकास तथा प्रादेशिक योजना, जिसमें क्षेत्र तथा समुदाय योजना शामिल हैं। क्षेत्रीय अध्ययन चुने हुए क्षेत्रों तथा प्रदेशों का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत उन क्षेत्रों के भौगोलिक व्यक्तित्व तथा संभावित संसाधनों को सामने लाया जाता है। इसमें प्रादेशिक सर्वेक्षण को शामिल करते हैं, उपयोग की गई विधियों एवं कार्यक्षेत्र दोनों की दृष्टि से प्रादेशिक विश्लेषण प्रादेशिक अध्ययन की तुलना में अधिक तकनीकी है। प्रादेशिक विश्लेषण में आंकड़ों एवं सूचनाओं का विश्लेषण करने के लिए अत्यधिक विकसित सांख्यिकी एवं गणित की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है तथा यह किसी क्षेत्र के भावी विकास की संभावनाओं को निर्धारित करने के लिए
अंतर प्रादेशिक संबंधों एवं प्रवाहों पर अधिक बल देता है। प्रादेशिक विकास अध्ययन की वह शाखा है जो किसी प्रदेश में विकास की प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करती है और इसके लिए ऐसी नीतियों तथा कार्यक्रमों का सुझाव देती है जो उस क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में सहायक हो सके। प्रादेशिक योजना एक तकनीकी कार्य है जिसमें शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्षेत्र योजना की सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक विधियों को अपनाया जाता है। सारांश में यह कहा जा सकता है कि भूगोल अध्ययन का ऐसा मिश्रित क्षेत्र है जो अपने विषय सामग्री के स्थान पर अध्ययन विधि तथा दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। यह भूपृष्ठ की स्थानिक संरचनाओं और उनका मानव जीवन तथा उनके रहन सहन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है। इस प्रकार भूगोल की ये उपशाखाएं संपूर्ण न होकर केवल सूचक मात्र हैं। इसकी उतनी ही शाखाएं हो सकती हैं जितनी समस्त भूपृष्ठ अथवा इसके किसी भाग की संरचनाओं और उनके वर्तमान और नए उभरते प्रतिरूपों के कारणों और परिणामों के बारे में किसी सार्थक वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अध्ययन की जाने वाली विषय सामग्री। भौगोलिक समस्याओं के अध्ययन की दो विधियां हैं। एक तरीका है किसी एक भौगोलिक कारक जैसे जलवायु को चुनकर उसकी क्रिया विधि का अध्ययन, जिससे उनके प्रकार पता लग सके और भूपृष्ठ पर स्थानिक वितरण के कारणों और परिणामों की परीक्षा की जा सके। इस उदाहरण में बल स्थानीय तथा प्रादेशिक कारकों द्वारा संशोधित जलवायु और जलवायविक प्रकार पर है। इस प्रकार का अध्ययन क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत आता है। इसके विपरीत हम किसी प्रदेश से प्रारंभ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत का कोई राज्य अथवा किसी नदी बेसिन को लें और फिर इसकी अद्वितीयता को समझने के लिए, इसकी समस्याओं का पता लगाने के लिए तथा उनके समाधान के लिए नीतियां तथा योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए इसका अध्ययन विभिन्न पहलुओं से करें। इन दोनों ही विधियों में प्रदेश समान रूप से अध्ययन का केंद्र बिंदु है। भूपृष्ठ के स्थानिक संरचना के कारणों और परिणामों का वैज्ञानिक अध्ययन भूगोल का क्रोड है। भौतिक भूगोल का महत्व। इसमें उन सभी तत्वों को सम्मिलित किया गया है जो प्राकृतिक हैं। स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल एवं जैव मंडल। स्थल मंडल में भू आकृति शामिल है। वायुमंडल का संबंध जलवायु से है। जल मंडल जल लक्षणों का अध्ययन है और जैव मंडल का संबंध सभी जीवंत वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, पशुओं, सूक्ष्म जीवों और मनुष्यों के अध्ययन से है। मृदा भौतिक भूगोल में अध्ययन किए जाने वाले इन चारों तत्वों
या मंडलों का उत्पाद है। आधुनिक भूगोल जिस रूप में यूरोप में उभरा, उसका झुकाव भौतिक पक्ष की तरफ था। यह परंपरा लगभग 19वीं शताब्दी के अंत तक चलती रही। उपनिवेशवादी युग में मानव आचरण को निर्धारित करने वाले कारक के रूप में भौतिक पर्यावरण पर अत्यधिक बल दिया जाता रहा, लेकिन इसके विरुद्ध भी आवाजें उठती रहीं, विशेषकर फ्रांस और संयुक्त राज्य में, जहां भौगोलिक प्रतिरूपों को पृथ्वी के भौतिक आधार पर कार्यरत मानव मस्तिष्क की उपज समझा गया, न कि मानव पर कार्यरत प्रकृति की देन। पर्यावरण निर्धारण से हटकर सामाजिक निर्धारण के सिद्धांत पर बल दिए जाने वाली विचारधारा ने एक संतुलित भूमिका अदा की और भूगोल को एक बार फिर एक विशाल आधार वाला विषय बना दिया। भौतिक भूगोल या मानव भूगोल, किसी के बिना भूगोल का अस्तित्व ही नहीं है। किशोर जगत इस श्रृंखला में अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम मार्गदर्शन प्रोफेसर रामजन शर्मा, विषय संपादन आरपी मिश्रा, आलेख एमएन कॉल तथा आर के गंजू, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर संजय कुमार, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।